आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। तो ए है और बी है, व्यापार आरंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाए। तो जो धन लगाता है वही क्या हो जाता है, हम लोग का कैपिटल हो जाता है, पूंजी हो जाता है। तो 4:5 के अनुपात में धन लगा रहा है, इसका मतलब ए जो है 4 रुपया लगाया और बी 5 रुपया लगाया, ऐसा हम लोग सोच लेंगे। ये 4:5 का जो रेशियो है इसको हम मान लेंगे कि ए जो है 4 रुपया लगाया और बी जो है 5 रुपया लगाया। क्लियर है। 3 महीना के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। तो 3 महीना के बाद वापस लिया ये दोनों ने, तो इसका मतलब क्या है, 3 महीना तक इसका ये पैसा लगा हुआ रह गया। क्लियर। तो इसका पैसा भी 3 महीना के लिए लगा हुआ रह गया। क्लियर। अब ए ने क्या किया, 3 महीना के बाद 1/4 भाग को वापस ले लिया। तो 1/4 भाग वापस ले लिया किसका, तो पूंजी का 1/4 भाग वापस लिया। तो पूंजी कितना लगाया, तो 4 रुपया लगाया है। तो 4 रुपया का 1/4 भाग कितना होगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 रुपया में से 1/4 जो है 1 निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये है, 4 रुपया वो लगाया था, 1 रुपया वापस ले लिया, तो लगाया कितना, तो 3 रुपया लगाया। क्लियर। उसी तरीके से बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। तो 5 ये लगाया था, पूंजी इसका 5 था, 5 रुपया लगाया था, उसका 1/5 भाग ले ले रहा है। तो 5 5 कैंसिल, 1 हो जाएगा, मतलब वो 1 रुपया वापस ले ले रहा है। तो 5 रुपया में से 1 रुपया अगर वापस लेगा तो 4 रुपया उसका लगा हुआ रहेगा। अब बोल रहा है व्यापार आरंभ करने के 10 महीना के बाद 3800 रुपया के लाभ में से बी को कितना रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे पढ़ने वाला बात है, इसमें क्या दिया गया है कि 10 महीना के बाद इतना लाभ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल व्यापार जो है 10 महीना तक चला था। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है 3 महीना तक यहाँ पे लगाया और 10 महीना तक व्यापार चला है, मतलब इसका 3 रुपया जो है ये 7 महीना तक लगा हुआ रहा। अब बोलिए कि ये कैसे हो गया, तो टोटल तो 10 महीना तक व्यापार हुआ है, उसमें से 3 महीना ये लगाया, तो ये 7 होगा तभी ना 10 होगा। क्लियर है। ये 3 महीना और 7 महीना जोड़ेंगे तब ना 10 महीना होगा। तो क्लियर, ये समझ में आ गया कि 7 महीना कहाँ से है। उसी तरीके से ये 4 रुपया कितना महीने के लिए लगाएगा, तो 3 महीना तक यहाँ पे लगाया है और ये 7 महीना लगाएगा तब ना 10 महीना तक होगा। अब ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया, ये टाइम हो गया। तो कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा हम लोग को, प्रॉफिट का रेशियो देगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 3 12, 7 3 21 हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 15 और 7 4 28। अब इसको टोटल को ऐड कर लीजिए कि टोटल कितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया, निकल के आ जाएगा इसका टोटल, तो 2 और 1 3 और 2 और 1 3, इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43। और ये जो रेशियो देगा हम लोग किसका रेशियो देगा, प्रॉफिट का रेशियो देगा। और यहाँ टोटल प्रॉफिट दिया गया है 3800 और बी का हिस्सा पूछा गया है। तो इतना समझ में आ गया, टोटल दिया है 3800, तो टोटल क्या है, ये प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट का रेशियो है, तो इसको भी टोटल कर दीजिए। तो इसको टोटल मतलब क्या, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 76। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 76 और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 50। अब ए एक भाग निकल के आ गया, अब बोला गया बी का हिस्सा, तो बी से बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो बी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2150 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक व्यापार में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए और बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। क्लियर है। तो ए जो है अपनी पूंजी का 1/6 भाग, तो पूंजी कुछ है उसका 1/6 भाग, मान लेते पूंजी कितना है, 1 है। अब बोलिए कि 1 ही क्यों मानेंगे, तो ऐसा ट्रिक है, ठीक है, ये थोड़ा सा समझ के रखिए। जब भी भिन्न के रूप में रहेगा हम लोग 1 मानेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, मान हम लोग कुछ भी सकते हैं। क्लियर है। तो जब भी भिन्न के रूप में होगा तो 1 मानेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, अपने पूंजी का 1/6 भाग, तो पूंजी हम मान लिए कुल पूंजी 1 है और उसका 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगा रहा है। तो ये पूंजी है, ये टाइम है, तो ये कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो दे देगा हम लोग को। ठीक है। तो कैपिटल ये हो गया और टाइम ये हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अब बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, बी जो है ये 1/3 भाग लगा रहा है 1/3 समय के लिए, और शेष धन सी ने पूरे समय के लिए, शेष धन सी ने क्या किया पूरे समय के लिए, तो शेष कितना धन बचेगा, तो शेष कितना धन बचेगा, तो ए क्या किया इसका 1/6 लगा दिया और बी क्या किया 1/3 लगा दिया। क्लियर। तो सी कितना पैसा लगाएगा, तो सी का पैसा हम लोग कैसे निकालेंगे, शेष कितना बचेगा, तो थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए ये 1 ना लिख करके, हम समझाने के लिए अगर थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं, अगर लिख देते हैं कि ये 5 रुपया है, ठीक है, टोटल पूंजी कितना है 5 रुपया है, टोटल पूंजी 5 रुपया है और ए ने लगाया
1 रुपया और ये लगाया 2 रुपया, तो सी कितना लगाएगा, तो 1 और 2 3, और इसको जोड़ के इसमें माइनस कर देंगे तो शेष निकल के आ जाएगा। तो 5 में से 2 और 1 3 को घटा देंगे तो इसका निकल के आ जाएगा 2, तो मतलब ये 2, तो कैसे निकल के आया, तो इसको ये दोनों से घटा दिए, ठीक है, ये दोनों को जोड़ें फिर इससे घटा दिए टोटल से, तब ना ये निकल के आया। तो बस वही हम लोग को करना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे, है ना, तो हटा देते हैं। अब देखिए टोटल कितना है, 1 है, इसमें से क्या करेंगे हम घटाएंगे किसको, ये दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तब शेष वाला भाग निकल के आ जाएगा। तो 1/6 + 1/3 घटा देंगे जोड़ के, तो इसको जब जोड़ेंगे हम लोग, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो 6 और 3 का 6 निकल के आ जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 + 2। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे 6 हो जाएगा, ये तो माइनस होगा, ठीक है। अब 3 1 3 3 2 6, तो 1 - 1/2 कितना होगा, 1/2। तो इसका मतलब ये जो है 1/2 पूंजी लगाया, और कितना समय के लिए लगाया, तो पूरे समय के लिए लगाया, तो समय भी हम लोग क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे पूरा समय। तो देखिए यहाँ बोला ही गया है कि पूरे समय के लिए लगाया, तो पूरा समय कितना है, 1 है, क्लियर है, तो पूरा समय ये कितना लगाएगा, 1 समय के लिए। तो देखिए कैपिटल हो गया, ये टाइम हो गया, ये क्या हो गया, प्रॉफिट का रेशियो हो गया, क्लियर, ये सब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए रेशियो थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 1 = 1 हो जाएगा, और 6 6 = 36, फिर रेशियो है तो रेशियो दे देना है, फिर 1 1 = 1 और 3 3 = 9, फिर रेशियो इधर कितना है, 1 1 = 1 और 2 नीचे में है तो 2, क्लियर, ये रेशियो दिया, ये रेशियो किसका है, तो प्रॉफिट का रेशियो है। तो देखिए प्रॉफिट का हम लोग को रेशियो हो गया, और यहाँ पे दिया गया है 4600 रुपया के कुल लाभ में से बी तथा सी के भागों का अंतर, तो ये बी है और ये सी है, इसका अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है, तो इसको सिंपल रेशियो में हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे में जितना है उसका एलसीएम हम लोग को निकालेंगे, क्लियर है, ये तो रेशियो चैप्टर से थोड़ा रिलेट कर रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम 36, 9 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 36, 9 और 2 का इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 36 आएगा। अब एलसीएम को क्या करेंगे, ये सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का टेबल में ये 18 बार में कटेगा, 9 का टेबल में ये 4 बार में, और 36 36 कैंसिल, तो 1 हो गया, इधर 4 हुआ और इधर 18 हुआ, तो ये रेशियो जो है प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब कुल लाभ कितना हुआ है, 4600 रुपया, तो 4600 रुपया टोटल लाभ हुआ है, तो इसको भी टोटल कर लीजिए, तो कितना टोटल हो जाएगा, 18 और 4 22 और 1 23, तो 23 से ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में कटेगा, और 2 को 0, ये हो गया। अब बोला गया है बी तथा सी के भागों का अंतर, तो बी ए है और सी ए है, इसका अंतर कर लीजिए रेशियो में ही, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 14, बस इस 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हम लोग का आया तो 200 आया, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 × 2 = 28 और 2 को 0, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें दिया गया किरण तथा नंदन ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, तो किरण है और नंदन है, लिख देना है, व्यापार आरंभ किया, इसमें किरण ने नंदन से 3 गुना धन, ठीक है, तथा नंदन से 2 गुने समय के लिए निवेशित किया, इसको समझना जरूरी है। इसमें किरण ने नंदन से 3 गुना धन, तो नंदन ने मान लेता है 1 रुपया लगाया, तो इससे 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 3 से इसको गुना कर दीजिए, तो 3 रुपया ये लगाया, तो इसका 3 गुना धन ये लगाया, ये क्या लगाया, कैपिटल हो गया इसका, पूंजी, ठीक है, 3 गुना धन नंदन से 2 गुने समय के लिए, तो नंदन मान लेते हैं 1 समय के लिए लगाया, 1 दिन के लिए लगाया, तो ये कितना दिन के लिए लगाएगा, तो ये 2 दिन के लिए लगाएगा, क्लियर है, या फिर इसको 1 साल बोलिए तो इसका 2 गुना कितना होगा, 2 साल हो जाएगा लगाया, तो ये कैपिटल हो गया, ये टाइम हो गया, तो कैपिटल इंटू टाइम क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला होता है हम लोग का, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, और सिर्फ इसी फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है, एक ही को फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ये ट्रिक हो गया, ये कैपिटल हो गया, ये टाइम हो गया, क्लियर, और ये हम लोग को रेशियो देगा किसका, प्रॉफिट का, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 हो जाएगा, रेशियो है तो रेशियो 1 1 = 1, तो ये हम लोग का प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है यदि कुल लाभ में से नंदन को 4000 रुपया मिले, तो कुल लाभ में से नंदन को मिल रहा है 4000, तो नंदन ये वाला है, ठीक है, इसको मिल रहा है 4000, तो 1 = 4000 हम लोग लिख सकते हैं, तो कुल लाभ बताएं, तो कुल लाभ पूछा गया, तो कुल लाभ का रेशियो कितना होगा, 6 और 1 7, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 = 4000, क्योंकि नंदन का दिया गया 4000 रुपया लाभ, तो नंदन को कितना हिस्सा मिल रहा है, 1 हिस्सा, तो 1 हिस्सा = 4000, तो कुल लाभ बोला गया, तो कुल कितना हिस्सा होगा, तो 6 और 1 7 हिस्सा होगा, तो ये हम लोग निकाल लेंगे, तो 4000 / 1 / 7 कितना हो जाएगा, 4 7 = 28000, ठीक है, तो 28000 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 22 के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वर्ड में चेंजिंग किया गया है, तो देखिए इसको कैसे बनाना है,
किसी व्यापार में ए द्वारा लगाई गई पूंजी बी द्वारा लगाई गई पूंजी से 25% अधिक है, तो ए द्वारा लगाई गई पूंजी बी द्वारा लगाई गई पूंजी से 25% इसका अधिक है, तो ये मान लेते हम 100 लगाया, तो ये कितना लगाया गया 125, तब ना 25% ज़्यादा होगा। अब बोल रहा है बी द्वारा लगाई गई पूंजी सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है, तो इसको पढ़िए अच्छे से समझना है, बी द्वारा लगाई गई पूंजी जो है सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है, मतलब बी जो है सी से 20% अधिक लगा रहा है। तो मान लेते हैं कि सी 100 लगाया, तो इसका 20% ज़्यादा लगाएगा, तो ये 120 लगाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेशियो से रिलेट कर रहा है, क्लियर है, ये रेशियो बन जाएगा हम लोगों का। अब इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, अब इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा हार्ड हो जा रहा है, बड़ा वैल्यू हो जा रहा है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग काट लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो देखिए 25 का टेबल में ये 5 बार में, 25 का टेबल में ये 4 बार में, इसको काट लीजिए 20 का टेबल में 6 बार में, 20 का टेबल में ये 5 बार में। अब करिए तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा, और 4 5 जा 20। ये क्या हुआ हम लोग का कैपिटल है, पूंजी है, पूंजी लगा रहा था तो ये सब पूंजी है। अब बोल रहा है एक वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए तथा बी के लाभों का अंतर इतना है, ठीक है, तो कुल लाभ में से, तो लाभ का रेशियो हम लोग को कब निकलता है, जब कैपिटल इंटू टाइम करते हैं तब प्रॉफिट का रेशियो निकलता है, तो ये सिर्फ कैपिटल है, और यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया कि कोई पैसा निकाला भी है। इसका मतलब ये है कि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ हो रहा है, जो भी लाभ हो रहा है, क्लियर, उसमें से ए और बी के हिस्से का अंतर दिया गया इतना, तो ए है ये और बी है ये, ये ए है और ये बी है, और इसका अंतर दिया गया है, कितना अंतर दिया गया, तो 15,000, तो रेशियो में भी कुछ अंतर होगा, तो एक साल के लिए लगाया, इसका मतलब क्या, ये भी एक साल के लिए लगाया, तो ये कैपिटल हो गया, ये टाइम हो गया, ये भी एक साल के लिए लगाया और ये भी एक साल के लिए, क्लियर। यहाँ पे एक नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए हम थोड़ा सा लिख दिए। जब भी बराबर समय के लिए पैसा लगाएगा तो हम लोग इस टाइम को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि ये तो कट जाएगा, क्लियर है, या फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही आएगा, तो रेशियो हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब बराबर समय पूछा जाएगा। अब देखिए रेशियो को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर सकते हैं, तो कर दीजिए 2 का टेबल में ये 15 बार में, 2 का टेबल में ये 12 बार में, 2 का टेबल में ये 10 बार में, और तो नहीं हो रहा है तो इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो बोला गया उसको पढ़िए, इसमें दिया गया है कुल लाभ में से ए तथा बी के लाभांशों का अंतर 15,000 है, ए और बी के लाभ का अंतर दिया गया है 15,000, तो रेशियो में कुछ अंतर है ए और बी का, तो ये ए है और ये बी है, कितना अंतर है, तो 3 है, क्लियर है, रेशियो में अंतर 3 हो रहा है और लाभ का अंतर कितना है 15,000, तो हम लिख सकते हैं कि 3 = 15,000। तो बोला क्या गया है, तो बी और सी के लाभांशों का अंतर, बी और सी के, तो बी ये है और सी ये है, इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर 2 है, ये पूछा गया है, तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो 3 = 15,000 हम लिख सकते हैं और 2 निकाल देना है हम लोगों को, तो 15,000 और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, तो 3 का टेबल में ये 5 बार में 15, 3 0, तो 5 × 2 = 10, तो 10,000। एक तो ये तरीका है, यहाँ पे डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते थे, देखिए कैसे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 होगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 3 × 0 है तो 3 × 0, और इधर जितना से मल्टीप्लाई करते हैं इधर भी हम लोग उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 0, तो 10,000 ही हो रहा है, तो आप चाहे तो ऐसे करिए चाहे तो ऐसे करिए, बात बराबर है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 10,000। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो इसको सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि नेक्स्ट पार्ट जब हम बनाएंगे तब आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।